हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। अर्ली मॉर्निंग्स विद गुप्ता जी विद कॉफी, आपका स्वागत है। नॉर्मली कॉफी विद करण होता है, बट ये है कॉफी विद CSCS शांतम गुप्ता, इंडियाज नंबर वन एजुकेटर फॉर लॉ, ऑल इंडिया रैंकर 42 एंड 43 इन CNCS एग्जीक्यूटिव कोर्सेज। भैया, अगर रैंकर बनना है तो रैंकर के साथ पढ़ना है। तो भैया, पहला लेक्चर हो गया है और पहले लेक्चर का गजब का रिस्पांस मिला है। बच्चों को बहुत पसंद आया है और मैं भी बड़ा खुश हूं, क्योंकि बच्चे खुश मैं खुश, बच्चे खुश मैं खुश, ऐसे ही थोड़ी ना इंडिया का नंबर वन बन गया हूं। तो भैया, आज की शुरुआत करते हैं। सारे लोग चैट में एक बार जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे, सब लिख देंगे हाय गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। देख रहा हूं मैं निखिल, नवीन, सचिन, मलिका, यश। भैया इतने सारे बच्चे सब एकदम हेलो हाय कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट दिन पढ़ा था उसको जरा सा रिवीजन का तड़का दे देते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जैसे सर, मैंने आपको लास्ट दिन बताया था कि एक पुलिसमैन ने मेरे को पकड़ लिया था क्योंकि मैं बिना लाइसेंस के चला रहा था अपनी क्रेटा वाली गड्डी। तो उसने मेरे को पकड़ के बोला कि लाइसेंस है जरूरी। उन्होंने मुझे बताया कि लाइसेंस जरूरी है क्योंकि ऐसा एक रूल है, लॉ है। तो मैंने भैया गया अपने दोस्त आदित्य शर्मा के पास, पूछा उससे लॉ क्या है। आदित्य सर ने बोला कि सर लॉ है एक प्रॉब्लम का सलूशन। ठीक है, लॉ प्रॉब्लम नहीं है, लॉ प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे भाई। निखिल एक छोटा सा बच्चा है, वो उसको लगा मैंने लिखा कि लॉ प्रॉब्लम है सलूशन का। नहीं निखिल मेरे भाई, मैंने ये लिखा है लॉ इक्वल टू प्रॉब्लम का सलूशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे क्योंकि लोग चला रहे थे रेकलेस ड्राइविंग। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इस प्रॉब्लम को करो सॉल्व। तो उन्होंने क्या किया, सोल्यूशन के तौर पर बनाया एक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट था बिल। उस बिल को प्रेजेंट किया लोकसभा राज्यसभा में। अगर यह बिल किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड करता है तो जितने मेंबर्स बैठे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी लगेगी, 2/3 मेजोरिटी लगेगी। लेकिन अगर ये कॉमन लॉ है, जैसे कि हमारा यहां पर भी है और हमारे सिलेबस में सभी कॉमन लॉज हैं, तो मोर देन 50% लगेगा, मतलब छोटा मैटर है। एक बार ये मिल गया, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था 2/3 का, मूवी आर्टिकल 370, आई होप आपने देख ली है। तो सबको नीचे चैट में लिख लो, देख दिया मूवी, देख लिया मूवी, कमेंट में जरूर लिखना। उसके बाद किया जाता है जब ये अप्रूव, तो ये दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब को साइन करने के लिए। और जैसे ही प्रेसिडेंट साहब इस पे अपना सिग्नेचर करते हैं, इसको डाला जाता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो कि है ऑफिशियल गजेट में जाके। ये तब इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है और तब वो बनता है एक्ट। मैंने आपको ये भी बताया था लॉ है जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल है प्रॉब्लम टू अ सोल्यूशन, और एक्ट है जब उस बिल को बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में पास करने के बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब वो एक्ट बनता है। एक चीज जो मैंने कल के लेक्चर में आपको नहीं बताई थी, वो आज उसी से शुरू करूंगा। ये जो प्रेसिडेंट है, क्या ये बिल को रिफ्यूज कर सकते हैं? हाँ सर, 3 बार। लेकिन ये रिफ्यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, कि बिल में अमेंडमेंट्स लेके आओ। अगर इन्होंने रिफ्यूज किया, बिल वापस से उठ के कमेटी के पास जाएगा, कमेटी वापस से अपने चेंजेस करेगी, वो वापस से लोकसभा राज्यसभा में पास होगा और वापस से प्रेसिडेंट का साहब का सिग्नेचर होगा। ऐसा प्रेसिडेंट सर 3 बार कर सकते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अब की बार मैं आगे नहीं बोलूंगा, कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। तो सर इसी के साथ शुरू करते हैं। आई होप आपको लेक्चर 1 में बहुत मजा आया होगा। आप देख रहे होंगे आपके सीनियर्स आपको कितना बोलते होंगे कि लॉ से भैया डर के, लॉ से डरना नहीं है, डर को दूर भगाना है। और लॉ का डर दूर कैसे भागेगा? सीएसजी सर है ना, सीएसजी सर की बाइसेप देख के लॉ भाग जाता है डर से। ठीक है, चलिए सर। सर एक चीज आपको और बताते हैं, हमारे जैसे ये जो पूरा हमारे महाबली की टीम है, द टीम ऑफ एवेंजर्स, इसके 5 लेक्चर्स यहां पर इस चैनल पर आपको फ्री दिख रहे होंगे, फ्री में मिलेंगे पूरे के पूरे, सो दैट यू कैन टेक द फील ऑफ योर एजुकेटर्स। सबसे पहले सुबह सुबह गुप्ता जी आते हैं सीएससीएस, उसके बाद आदित्य शर्मा सर 10 बजे आते हैं इको कराने के लिए, फिर आती हैं शिवानी मैम मैथ्स कराने के लिए, क्वांट की क्वीन, फिर आते हैं हमारे रॉकी भैया अकाउंटेंसी कराने, राकेश कालरा 1 बजे। अच्छा, ये भी इसके साथ ध्यान रखिएगा, हमारा बैच 23 अप्रैल को शुरू हो रहा है। डेमोज देखिए, टीचर्स की फील लीजिए, उसके बाद बैच में आइए, क्योंकि असली मजा सबके साथ आएगा और वो भी 50% ऑफ पर। याद रखिएगा, ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जहां पर अनलिमिटेड व्यूज मिल रहे हैं आपको, कि जितनी बार आप अपने टीचर को देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, और वो भी सिर्फ 9,000 रुपए में एट 50% ऑफ।
भैया 999 पड़ रहा है आपको एक एक कोर्स 9 महीने का, हर महीने का 999, उसको 4 सब्जेक्ट से डिवाइड करो, 250 रुपया आएगा रफली, उसको पर डे से डिवाइड करो तो छोड़ दो, इतना तो मेरा मैथ्स खराब है शिवानी मैम से पूछ लेना। और टाइम एंड टाइम अगेन इसीलिए हम लोगों ने इंडिया के बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं यार, 900 से ज्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं, आप भी इसमें एक हो सकते हो। और इसमें क्यों 130 प्लस में आओ ना, और हम 300 प्लस स्कोर करवाने के लिए 300 इलाइट ग्रुप ला रहे हैं, इतना कौन करता है बच्चों के लिए, हम करते हैं अनअकैडमी पर, नंबर वन प्लेटफॉर्म के नंबर वन टीचर। अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं पूरे धूम धड़ाके के साथ। और आज का लेक्चर सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट करती क्या है और ये लॉज वगैरह बनाने का क्या काम है, कौन क्या काम करता है, वो समझाना चाहता हूं। देखो सर, इस देश में मतलब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज दी यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ को बनाना। लेजिस्लेटिव इज द मेकर ऑफ द लॉ, लेजिस्लेटिव लॉ को क्रिएट करता है, दे फॉर्म्यूलेट द लॉ, ठीक है, ये लॉ को फॉर्म्यूलेट करते हैं, ठीक है। मतलब लेजिस्लेटिव के अंदर कौन कौन आता है सर, लेजिस्लेटिव के अंदर आते हैं लोअर हाउस जिसको बोलते हैं लोकसभा, और अपर हाउस जिसको बोलते हैं राज्यसभा। आपको देखो मैंने बताया था मिनिस्ट्री क्या करती है, मिनिस्ट्री सबसे पहले बिल बनाती है, ठीक है। बिल बनाने के बाद मिनिस्ट्री उस बिल को इन दोनों जगह पर डालती है फॉर अप्रूवल। जब यहां से अप्रूवल मिल जाता है तब प्रेसिडेंट के पास जाता है, जैसे ही प्रेसिडेंट इसको साइन कर देते हैं वो एक्ट बन जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि पार्लियामेंट का काम है एक्ट बनाना, पार्लियामेंट एक्ट बनाता है। पार्लियामेंट इज द फॉर्मुलेटिव, फॉर्मुलेट्स द लॉ, इट इज द एक्ट मेकर, इट मेक्स द एक्ट। लेजिस्लेटिव क्या करता है, एक्ट को बनाता है। उसके बाद दूसरा विंग आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो लॉ की इंप्लीमेंटेशन को देखता है, वो ये देखता है कि जो भी लॉ बनाई गई है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। तो दे सुपरवाइज इंप्लीमेंटेशन, तो ये इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। हाँ, ये इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करते हैं। अब सर एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है सर आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। इसीलिए यहां पर अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स निकल के आते हैं जिनका काम होता है, जैसे रेलवे मिनिस्टर है उसका काम है रेलवे से रिलेटेड चीज देखना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज देखना, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड चीज देखना कि रशिया वाले और रशिया वाले और इंडिया वालों के संबंध अच्छे रहे। कौन से संबंध, प्यार मोहब्बत वाले संबंध, दोस्ती वाले संबंध, गलत मत समझ लेना। और यहां पर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी आते हैं। प्रेसिडेंट अगर आप देखो तो दोनों विंग में है, ठीक है, वहां पे वो फॉर्मुलेटर है, यहां पर वो एग्जीक्यूटर है, डबल रोल है उनका। उसके बाद आती है सर आपकी जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है, जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, ठीक है। जुडिशरी के अंदर कौन आते हैं, जुडिशरी के अंदर कोर्ट्स आते हैं जो ना लॉ के मैटर्स को सॉल्व करते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में विवाद है ना, ठीक है, जैसे एक बहुत अच्छी पिक्चर है जॉली एलएलबी, अगर आपने देखी है कि नहीं, उसका एक डायलॉग मैं कोट करना चाहता हूँ जॉली एलएलबी की मूवी का, कितना बढ़िया डायलॉग है। वो बोलता है सर हमारे देश में इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, कोर्ट नहीं है और कोर्ट के ऊपर लोगों का भरोसा है। ये बोलते समय वो एक लाइन बोलता है कि जब भी दो लोगों के बीच में विवाद होता है वो सबसे पहले बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, पर हमारे पास कोर्ट में जजेस इतने कम है कि काम बहुत साल तक केसेस चलते रहते हैं। सर आप तो कॉफी पीते पीते बढ़िया ज्ञान देते हो, अरे कॉफी इज द सोर्स ऑफ माय एनर्जी, ठीक है। आओ सर, तो लॉ क्या करता है, मैटर्स को सॉल्व करता है, ये आ गया जुडिशियरी। अब जुडिशियरी के अंदर कौन कौन आता है ये सबसे बड़ी देखने की बात है। जुडिशियरी के अंदर तीन तरह के कोर्ट आते हैं,
जो सबसे प्राइमरी कोर्ट होता है टॉप का, वो एकदम एक ही है इंडिया के अंदर, वो है सुप्रीम कोर्ट। ये यूनियन लेवल पर है इसलिए ये एक ही है। हाई कोर्ट स्टेट वाइज होते हैं, हाई कोर्ट स्टेट वाइज होते हैं, ठीक है। और सबॉर्डिनेट कोर्ट नीचे में आते हैं, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, मजिस्ट्रेट भी आता है। आपने पिक्चर या सीरीज में देखा होगा कि जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो पुलिस ऑफिसर बोलता है इसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होगा। हाँ, क्योंकि अगर आप 24 घंटे के अंदर जिसको आपने अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाते तो आपको उसको बेल पर छोड़ना पड़ता है, मतलब आप उसको काल कोठरी में नहीं डाल सकते। तो अब आई होप एक बार इसको भी मैं समराइज करता हूं, और समराइज करने के लिए ही मैंने ये जगह छोड़ के रखी है। इसको भी मैं एक बार समराइज करता हूं। मैंने आपको आते साथ सबसे पहले क्या बताया कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर तीन लोग काम करते हैं। सबसे ऊपर में काम करता है लेजिस्लेटिव, जिसका काम क्या होता है, ये होता है मेकर ऑफ द लॉ, ये लॉ को बनाता है। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव के बाद, लेजिस्लेटिव के बाद नेक्स्ट विंग आती है, यह है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यह क्या करता है, यह मॉनिटर एंड सुपरवाइज करता है इंप्लीमेंटेशन को, इंप्लीमेंटेशन को। उसके बाद आता है सर जुडिशियरी, और जुडिशरी का काम क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ के मैटर्स को डील करना, लॉ के मैटर्स को डील करना। पता है हम रियल लाइफ केस स्टडीज क्लास में बताते हैं बच्चों को, क्योंकि लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सब रियल लाइफ बेस्ड है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, रोटी या पराठा। हाँ, रोटी या पराठा पे अलग अलग जीएसटी रेट लगता है, तो रोटी की डेफिनेशन क्या होती है, पराठा की डेफिनेशन क्या होती है, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, सोचो। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है ना, वो फाइनल जजमेंट होती है, क्योंकि वही जजमेंट कल का अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, वही कॉमन लॉ बन जाती है। अगर कोई चीज पर लॉ ऑलरेडी बनी हुई नहीं है ना, उस पर क्रिमिनल में कुछ लिखा है, ना उसमें सिविल में कुछ लिखा हुआ है, ना नेचुरल जस्टिस में कुछ है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर कोई जजमेंट देता है तो वो कॉमन लॉ बन जाती है, ठीक है। तो अब आई होप, जैसे इस टॉपिक का नाम भी था इंडिया के लॉ का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, तो अब आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि इंडिया के लॉ के अंदर तीन चीजें चलती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर, ठीक है, तीन पार्ट आते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इंप्लीमेंटेशन में आती है एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर आती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट, ठीक है। अब यहां से हम आपका चैप्टर नंबर वन शुरू कर रहे हैं लॉ का, जो कि है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये हमारी किताब है जो हम लोग प्लस बैचेस में यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। मेरी किताब फुल्ली कलरफुल है, मतलब इसमें तुमको चित्र मिलेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया चित्र मिलेंगे, मतलब मजा आएगा तुमको पढ़ने में, ठीक है, एकदम चित्रकला से भरी हुई है किताब और कलरफुल है, ठीक है। इसका अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी में, ज्यादा नहीं पड़ता वो, उसमें आपको सारे टीचर्स की, मेरे जैसे ही बाकी टीचर्स की, आदि सर की हो, मैम की हो, सर की हो, अकाउंट्स के सर की, सबकी कलरफुल मटेरियल है, वो सब आपको मिलेगा। अरे जिंदगी में रंग भरो ना यार, छोटी सी जिंदगी है, कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा, पढ़ाई लिखाई चल रही है, रंग भी तो भरो, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पर चैप्टर के स्टार्टिंग में पूरा बर्ड्स आई व्यू दे के रखा है कि इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे। इस चैप्टर में आप सबसे पहले सीखोगे लॉ होता क्या है, फिर आप सीखोगे लॉ को एनफोर्स कैसे किया जाता है, फिर आप देखोगे मेजर बॉडीज जो लॉ को इंप्लीमेंट करती हैं, फिर आप इंडिया का जुडिशियल स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ऑल थैंक्स टू अभी के क्लास का 10 मिनट आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। तो चलिए सर अब आते हैं, एक बार सोचते हैं साथ में बैठ के। सर आज के जमाने में तो पार्लियामेंट वार्लियामेंट होता है तो बढ़िया से लॉ वॉ पास हो जाता है, आपने बताया बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट उससे हो जाता है, लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम में तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे सर, तभी भी होते थे। हमने जोधा अकबर देखी है, उसमें अकबर बहुत सारी कमांड देता था, उसकी नगरी के लोग जब उनकी बातें नहीं मानते थे तो उनको ला के सजा दी जाती थी। तो सर उस टाइम पर भी लॉ, कानून, ये सब हुआ करता था। हाँ,
अरे भाई तुमको एक बात हम बताते हैं जो चीज तुमको पता नहीं है, ये लॉ और कानून ना बिफोर क्राइस्ट से चला हुआ आ रहा है। हाँ राजा महाराजा तो बहुत बाद में आए हैं, ये लॉ और कानून बिफोर क्राइस्ट चला हुआ आ रहा है। हाँ बट सर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मेरे को लॉ की समझ क्यों चाहिए? ठीक है, व्हाई डू आई नीड टू स्टडी लॉ, ऐसे है ना? व्हाई आर यू स्टडिंग दिस सब्जेक्ट लॉ? क्योंकि मैं तो सीए बन रहा हूं, मैं तो अकाउंटेंट बनूंगा, फुल फ्लेजेड चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा मैं, तो मैं क्यों लॉ पढ़ूं? सर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट भी आपको लॉ की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि आप कैसे समझोगे कि कोई आदमी लॉ को तोड़ रहा है जब तक आपको खुद ही लॉ पता ना हो? तब तक आप कैसे उसको समझाओगे कि ए नहीं करना है बी करना है? जैसे एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ठीक है बेटा? एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक पेज ऐड करता हूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। सर जर्नल एंट्री क्या होती है? सब कोई बता देना, सब कोई बता देना। नवीन मैं देख रहा हूं तुम पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो क्लास में। नवीन और यश खाली बदमाशी किए जा रहे हैं, बहुत पिटाई लगा दूंगा मैं। सर पिटाई कैसे करोगे, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन थप्पड़ लगाता हूं मैं यहां से। मैं मार्क जुकरबर्ग, रुको अभी फोन करता हूं। हेलो जुकरबर्ग भैया, हाँ इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए फोन से, फोन से नवीन और यश को इलेक्ट्रिक शॉक दीजिए। अभी देखो अब तुम लोग क्लास में ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया, तुम लोगों को चैट में इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, अच्छा जर्नल एंट्री क्या होती है भैया? क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? ठीक है देखो, जर्नल एंट्री भी गलत बोल रहे हैं, पिटाई करेंगे तुम्हारी, कालरा सर को बोलेंगे, सबको पिटेंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स किया है आपने, जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की, आपको पैसा मिलेगा ना, आप करते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यह सही एंट्री, मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बुक्स देख रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हो, हैं? और उसने जर्नल एंट्री पास करके रखी है क्रेडिट सेल्स की, सेल्स टू डेटर्स। अब मेरे को यह बताओ, जब तक तुमको सही का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम ये कैसे उसको समझाओगे कि यह गलत है? वही सेम लॉजिक लॉ में भी लगता है। जब तक एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मेरे को लॉ पता नहीं होगा, मेरे को लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक मेरे को लॉ पता नहीं होगा या मेरे को लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्लियर, तब तक मैं जहां पर काम कर रहा हूं, ठीक है, वहां पर अगर मेरा जो हम लोग क्लाइंट बोलते हैं जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है, क्लाइंट बोलते हैं सीए की लैंग्वेज में, मतलब बेसिकली जिसको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर क्लाइंट ने लॉ को फॉलो नहीं किया होगा तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा जब तक मेरे को ही लॉ नहीं पता होगी? और अगर मैं उसको समझाऊंगा नहीं उसका लॉस हो जाएगा, और अगर उसका लॉस होगा वो मेरे को काम से निकाल देगा, बोलेगा तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू रिक्वायर द लॉ। ठीक है चलो, अब नीड समझा दी, नीड क्रिएट कर दी, अब ये बताते हैं क्या ये लॉ नया है? नहीं सर मैंने सही बोला, ये बिफोर क्राइस्ट के टाइम से आ रहा है। और बिफोर क्राइस्ट में तो भाई जब हम हिस्ट्री पढ़े थे मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ गया था भाई, वहां के लोग अलग पैदाइश थे बिफोर क्राइस्ट, उल्टा दिनांक लिखते थे। मतलब हमारे में अगर 2023 आया फिर 2024 आएगा फिर 2025 आएगा, ईयर बढ़ते थे तो नेक्स्ट ईयर आता था ना, इनका अलग ही चल रहा है, इनके में उल्टा चलता है। 1792 टू 1758 है, इनकी कहानी उल्टी चल रही मेरे भाई। मैं तो जब मेरी हिस्ट्री के टीचर ने पहली बार मेरे को ये बैठाया बताया ना, मैंने तो भाई अपना सर फोड़ने वाला था। मैं तो भैया बोला मैम मेरे को छोड़ दो, मैम मैं एकदम परेशान हो गया हूं, मैं ये सब गलत नहीं सीख सकता। लेकिन ऐसा होता है, उसमें उल्टा लिखा होता है सर, उल्टा 1792 टू 1758 उल्टा लिखा होता है।
ठीक है, अपोजिट में मतलब सीधा नहीं उल्टा लिखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये जो पीरियड लिखा हुआ है 1792 टू 1758 बीसी, बीसी का मतलब आई, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो उस टाइम पर जो सबसे पुराना लॉ है, जस्ट फॉर यू, जो सबसे पुराना लॉ है जस्ट फॉर यू, वॉज नोन एज दी जस्ट फॉर यू कोड ऑफ हम्बुराई। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई कोई ऐसा कोई शैतान आदमी है जो एकदम ज्वाला सी जलती है ऐसे करके उठा है, हम्बुराई, तो उसको बोलते थे कोड ऑफ हम्बुराई, ठीक है। जो हम्बुराई एक जगह है, ठीक है, मतलब बेबी लॉन एक जगह थी, बाइबल लॉन बोलते थे उसको, उसके किंग का नाम था किंग हम्बुराई। तो उसने क्या किया था, एक कोड बनाया था, लॉ इज अ कोड, और उसने इस लॉ को पता है कहां लिख दिया था, जो पत्थर नहीं लिखे रहते जैसे आजकल कोई बड़े मॉन्यूमेंट में जाओ ऐसा लिखा है श्रेया लव्स शान ऐसे करके उसमें मार ऐसा एरो बना के दिल बना देता है वो लोग, वही सेम चीज इन्होंने भी की थी। जो बड़े बड़े पत्थर थे ना सिटीज में, उसके ऊपर इन्होंने लॉ लिख दी थी कि भाई तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे सजा मिलेगी, नहीं मानोगे सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे लॉ कहां लिखे हुए थे, पत्थरों पे लिखे हुए थे, ठीक है। और भाई इस लेवल पर करते साथ इसने क्या किया, जजेस भी अपॉइंट कर दिए भाई, तीन चार जज, एक श्रेया एक स्नेहा, ठीक है, सब जजेस को इसने अपॉइंट कर दिया। श्रेया और स्नेहा बहुत बात कर रही है नीचे चैट में, मैंने मार के मुंह हाथ तोड़ देना एकदम, पढ़ाई करो चुपचाप। बहुत सारे जजेस भी अपॉइंट कर दिए। तो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पहला लॉ क्या है, तो दैट वाज द कोड ऑफ हम्बुराई, ठीक है, विच वाज फ्रॉम द ईयर 1792 टू 1758 बीसी, ठीक है। और इसके खुद के जजेस भी थे, और सबसे यूनिक बात इसके बारे में क्या है कि ये स्टोन्स के ऊपर लिखा गया था, पत्थरों के ऊपर, तो कोड ऑफ हम्बुराई बल्कि स्टोन्स पर लिखा गया था बीसी में। इसको हम याद कैसे कराते हैं पता है, बीसी 1792 टू 58, बीसी 1792 टू 1758, बीसी 1792 टू 1758। बीसी का मतलब क्या है, बी का मतलब बल्कि स्टोन्स, ठीक है, सी का मतलब कोड ऑफ हम्बुराई। एक्रोनिम से पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को याद हो जाए। तो बीसी 1792 टू 58, बीसी 1792 टू 58, हर बच्चा एक बार क्लास में बोलेगा साथ में मेरे, बीसी 1792 टू 1758। अब बीसी में बी क्या है, बी है सर आपका बल्कि स्टोन्स, क्योंकि पत्थरों पे लिखा गया था, और सी क्या है, कोड ऑफ हम्बुराई, कोड ऑफ हम्बुराई। इज इट क्लियर सर, यहां तक कुछ नया सीखा, मजा आया, कुछ मजा आया, समझ में आया एकदम बढ़िया तरीके से, कोड ऑफ हम्बुराई, हम्बुराई 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 हम्बुराई। एक बार डांस कर लेना, मम्मी लोग भी सोचेंगे बच्चा लोग पागल हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये हुआ, इसके बाद जो सेकंड था, मॉर्निंग, इसके बाद जो कोड आया सेकेंड, वो आया 450 बीसी में, ठीक है। वो आया कौन से बीसी में, 450 बीसी में, 450 बीसी में, ठीक है, 450 बीसी में। अब 450 बीसी में क्या आया, अब तुम समझो, 450 तुमको लगेगा 1792 के पहले है, बट यहां पर काउंटिंग उल्टी हो रही है। तो 1792 से 1758, फिर 420, मतलब 450 बहुत बाद में। इसका नाम पड़ा 12 ब्रॉन्ज टैबलेट, टैबलेट मतलब सैमसंग वाला नहीं, 12 ब्रॉन्ज टैबलेट मतलब ये जो कॉपर प्लेट्स है ना उसके ऊपर लिखा गया था, ठीक है, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, कॉपर टैबलेट्स के ऊपर, तो इसको कॉपर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सबसे पहले आया था कहां पर, रोम में, जहां पर 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया 450 बीआर, बिल्स रिसीवेबल, 450
बीसी में 12 बीआर टैबलेट्स पर ये लिखा गया था, ठीक है। और इसको बुलाया भी जाता है 12 टैबलेट्स टेबल्स, इट इज कॉल्ड द 12 टेबल सिविलाइजेशन। अब इस ये फेमस क्यों हुआ, पहला तो वो बन ही गया था, ये फेमस इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड कोड विच वॉज देयर, फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड कोड, ठीक है। और इसने राइट को रॉन्ग से सेपरेट करके बताया और रॉन्ग के केस में रेमेडी क्या मिलेगी वो बनाया। और इससे ना सिटीजन्स ऑफ रोम को समझ में आया कि बेसिकली होता क्या है लॉ, ठीक है। ये पहला ऐसा डिटेल्ड लॉ था। और उसके बाद बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सारी चेंजेस हुई, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। अब जैसे मैंने ये लिखा तो मैं प्लस क्लास में भी ये करता हूं। अब जैसे इसके बाद हम लोग जाते हैं नोटिंग के लिए, और नोटिंग में हमारी एडवाइस हमेशा होती है बहुत सारे कलर यूज करने हैं आपको, जिससे आपके नोट्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बने, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर आप इस चैप्टर का नाम देखोगे तो इसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब ये भारत देश के अंदर, इंडियन मतलब भारत देश के अंदर रेगुलेटरी लॉ को, लॉ का यूज का फ्रेमवर्क बताता है। फ्रेमवर्क मतलब लॉ का स्ट्रक्चर बताता है। तो यहां पर आप देखोगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम करती है, सारी चीजें। तो ये पूरा लॉ का स्ट्रक्चर बताएगा आपको ये चैप्टर, इसीलिए इसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये अभी रिसेंटली रिसेंटली ऐड हुआ है न्यू सिलेबस में, आपके लिए तो सभी न्यू है बट ये पहले था नहीं। अब इसमें आप दो नोटिंग करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा इंट्रोडक्शन, हेडिंग दी, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट किया, ठीक है। और इसके अंदर आप दो चीजें लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, ठीक है, कोड ऑफ हम्बुराई, कोड ऑफ हम्बुराई 1792 टू 1758 बीसी, ठीक है, कार्व्ड ऑन सेवनटीन, मतलब ये इसका टाइम पीरियड है, हाईलाइट कर लेंगे इसको भी, 1792 टू 1758 बीसी, इट वॉज कार्व्ड ऑन बल्की स्टोन्स इन द सिटी ऑफ बेबीलोन, इन द सिटी ऑफ बेबीलोन। अब आप क्या करोगे, ये जैसे ही आपने लिख लिया तो आपने इसका जो निमोनिक बनाया था ना, वो निमोनिक भी आप बगल में लिख दोगे, बीसी 1792 टू 1758, जिसमें बी का मतलब क्या था सब लोग को बताया, सब लोग बोलेंगे चैट में फटाफट, बी का मतलब बल्की स्टोन्स, और सी का मतलब कोड ऑफ हम्बुराई। कोड ऑफ हम्बुराई, तो ये नोटिंग हो गई, ये पहली पार्ट है नोटिंग की। दूसरी चीज आपने लिखी, सब लोग लिखते रहना, हाँ ऐसा नहीं है हम लोग क्लास देख रहे हैं खाली मजा करते रहेंगे, लिखना भी है, ठीक है। दूसरा था द फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड लॉ, क्योंकि ये डिटेल्ड था इसीलिए फेमस हो गया, कौन से टाइम पीरियड में, 450 बीसी, 450 बीसी, 450 बीसी। और इसका नाम था
12 टेबल्स, ठीक है, और इसको लिखा किस चीज पे गया था, 12 ब्रॉन्ज टेबल्स पर, 12 ब्रॉन्ज टेबल्स पर इसको ये लिखा गया था, ठीक है। आई होप आप लोग सब लोग लिख रहे हैं, बदमाश बच्चे भी लिख रहे हैं क्लास में, वरना बदमाश बच्चे पिट जाएंगे अब मेरे से एकदम। सर अभी जुकनबर्ग को फिर से कॉल करेंगे। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड लॉ, ये कहां पर किया गया था, रोम में, ठीक है, रोम में। और ये करता क्या था, राइट्स एंड रॉन्ग्स में डिफरेंस क्रिएट करता था, क्या सही है क्या गलत है वो सिखाता था। तो ये नोटिंग हो गई। अब इसके बगल में आप लिखोगे इसका भी एक्रोनिम, 450 BC, नहीं 450, 12 450 12 BR, वही मैं देख रहा था पीछे सेम ही लिखवाया ना, 1250 450 12 BR, जिसमें बी होगा ब्रॉन्ज, आर होगा आपका ब्रॉन्ज टेबल, ब्रॉन्ज टेबल, और आर है आपका रोम। MDH का तड़का, रोम रोम भड़का, ये रोम वाला भड़का नहीं है बेटा, ये रोम जगह है के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन की दो पार्ट की नोटिंग हुई। इतना खूबसूरत तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और नोटिंग करते हैं ना, एक बार आप प्लस पर 23 तारीख से आ जाओ, मन आ जाएगा भाई तुम्हारा, मतलब लाजवाब एपिक, मतलब दिन में तुम कम से कम 3 बार हमको देखोगे, नहीं तुमको हमसे प्यार हो गया तो क्या बात, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा, और मैं लिटरली बता रहा हूं इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज लॉ, लॉ होता क्या है, लॉ क्या है, लॉ सर एल फॉर लॉ, एल फॉर लव, लॉ मोहब्बत है। तुम नहीं समझोगी अंजलि, अंजलि समझे ना समझे तुम जरूर समझोगे, क्योंकि तुमको हम पढ़ा रहे हैं, अंजलि को हमने नहीं पढ़ाया था। चैट में जो अंजलि हो बोल रही है, हम तो आप ही से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज लॉ, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। सर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी का वर्ड का मतलब एक ही होता है, ऑब्लिगेशन मतलब जो करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका मतलब ड्यूटी भी होता है। तो ऑब्लिगेशन, लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। इंपोज कौन करता है आपके ऊपर, गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं ने तो पास किया है। पर गवर्नमेंट का लॉ पास करने के पीछे पर्पस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड। शर्मा भैया पढ़ाएंगे हमारे क्लास के बाद। तो भैया जो सोशलिस्टिक होता है उसमें गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, तो सरकार हमेशा वेलफेयर के लिए ही काम करती है। तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी विच इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग व्हाट, सिक्योरिंग वेलफेयर, और साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करने के लिए, जस्टिस टू द सोसाइटी। तो आपको कितने वर्ड मिले इसमें, ऑब्लिगेशन ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन और ड्यूटी क्रिएट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, जिसका पर्पस क्या है, सिक्योर करना वेलफेयर एंड जस्टिस। अब ये आपकी नोटिंग बुक में हो गई कि इधर है ओ प्लस डी, इट्स एन ऑब्लिगेशन प्लस ड्यूटी, जो एरो के ऊपर क्रिएट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, फॉर क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, क्या एक तार वेलफेयर एक तार जस्टिस, हो गई डेफिनेशन डेवलप। और लोग बोलते हैं लॉ को याद करना होता है, याद थोड़ी ना समझना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन प्लस ड्यूटी है जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है फॉर सिक्योरिंग व्हाट, वेलफेयर एंड जस्टिस, खत्म, ठीक है। अब इंडिया में जो लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसमें तीनों चीजें हैं, उसमें सोशल भी है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पॉलिटिकल भी है, वोटिंग राइट, डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक भी है, जीडीपी, ग्रोथ रेट, एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं।
हर एक छुट्टी मनाते हैं, हर एक त्योहार मनाते हैं. इंडिया इज अ सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, ऑफ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री. तो बोलता है इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है इट रिफ्लेक्ट्स सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री. ठीक है, तो इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको जब आप देखने जाओगे, यहां पर इतनी सारी लॉज हैं, इतने सारे एक्ट हैं जो सोशल एस्पेक्ट को भी गवर्न करते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को भी गवर्न करते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी गवर्न करते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट को भी गवर्न करते हैं. तो हमारे इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क सबसे बड़ा डाइवर्स फ्रेमवर्क है पूरे वर्ल्ड में. फ्रेमवर्क मतलब सबसे बड़ा, पता है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ही है, सबसे मोटा, सबसे ज्यादा आर्टिकल, सबसे ज्यादा सेक्शन है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सबसे बड़ा है. यहां पर लॉ बनी है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल्चरल एस्पेक्ट से भी. सो इट इज अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री. अब इसको जोड़ के एक डेफिनेशन बना देते हैं. आ जाओ, व्हाट इज लॉ, नोटिंग में चलो. पहले क्वेश्चन लिखते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछते हैं. यहां पर सब बच्चा लोग कमेंट करते रहना. हाँ, अभी अभी आपका एक कमेंट होगा कि ये व्हाट इज लॉ में मजा आया कि नहीं. कमेंट भरपूर चाहिए वीडियो पे, सब लोग कमेंट करेगा, इससे समझ में आता है हमको कि कितना, और हम सबको रिप्लाई भी करते हैं. व्हाट इज लॉ, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, सब बताना है. और अपनी सिटी, सबसे ज्यादा जरूरी सिटी. इजी इजी डेफिनेशन क्या है लॉ. ठीक है, अपने दिमाग में आप घुमाया हमने कि सेंटेंस, दिमाग में घुमाया, सर ने बोला था ओडी, इट इज अ सेट ऑफ ओडी ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी. फिर सर ने एरो के ऊपर गवर्नमेंट लिखा था, ड्यूटी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. फिर सर ने इक्वल टू सिक्योर लिखा था और फिर उसमें दो बनाए थे, क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड डब्ल्यू ऑन जस्टिस, फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड जस्टिस, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट था इंडिया के बारे में, इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क कंटेन्स लॉज रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट, एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री. अब देखो यहां पर वर्ड कौन कौन से की हैं, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, सिक्योरिंग वेलफेयर, जस्टिस, इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट. अब यहां पर बच्चा बोलता है लॉ डिफिकल्ट है. मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीएआई फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. आईसीए आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीएआई इन दिस सब्जेक्ट. आईसीए आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है लॉ के सब्जेक्ट में, क्यों बच्चा इतना गड़बड़ करता है लॉ में, क्या प्रॉब्लम है, क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि वो कभी आईसीए की रिक्वायरमेंट ही नहीं समझता. आईसीए बच्चे से चाहता है
कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आईसीआई बच्चों से चाहता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कि भैया आप कॉन्सेप्ट को समझो। बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा लगाता है रट्टा, वो बोलता है रट्टा लगा लगा के पास हो जाएंगे, पूरा लॉ लर्न बाय हार्ट कर लेता है, जाके पेपर में उगल के आता है 39, 35, 32। क्योंकि देखो सर, रिक्वायरमेंट में और डिलीवरी में मिसमैच है। इट इज जस्ट लाइक आपने पिज्जा ऑर्डर किया और वो गार्लिक ब्रेड लेके आ गए, तो तुम्हारी भूख सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी ना। तो पहली प्रॉब्लम ये है, आईसीआई की रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। दूसरी आईसीआई की रिक्वायरमेंट है यूज ऑफ लीगल वर्ड्स। बच्चा क्या करता है? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिख के चले आता है। बेटा अगर सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी थी तो वो फिर इंग्लिश का एग्जाम बन जाता ना, फिर वो लॉ कैसे रहेगा? तो ये अब इसीलिए मैंने ना ये रिक्वायरमेंट आपको कुछ पढ़ाने के बाद बताई, जिससे मैं आपको दिखा सकूं। अब अगर मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा होता कि व्हाट इज लॉ, इट इज अ सेट ऑफ ड्यूटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू गेट वेलफेयर। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट हैज लॉज रिलेटेड टू सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट। तो क्या होता पता है? लॉ की लैंग्वेज ही नहीं आई है। या मैं ऐसे लिख देता, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। हाँ सही है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉ कहां है? सो यू हैव टू यूज द लीगल वर्ड्स। यहां पर फिर वही हुआ है, आपने मंगाया पनीर बटर मसाला और वो लेके आ गया आपके लिए शाही पनीर। एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, डिलीवरी कुछ और हो गई। कुछ बच्चे चैट में ऐसा बोल रहे हैं, सुबह सुबह भूख लगवा दी, अब हमें मम्मी को परेशान करना पड़ेगा कुछ अच्छा लंच बनाने के लिए। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं इंडिया में नंबर वन हूं और क्यों कोई और नहीं बन पा रहा उस लेवल पर। मेरी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है ना, कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो होती है लगभग 120 आवर्स। जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग सेशन, मैं इससे बड़ा फेमस हूं, CSG AWS सेशन, आंसर राइटिंग सेशन मैं एवरी नाइट करवाता हूं, ठीक है, ये चलते हैं 180 घंटा। मतलब कोर्स में जितना पढ़ाता हूं उससे ज्यादा मैं आंसर राइटिंग कराता हूं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली आईसीआई की रिक्वायरमेंट पता है। बिकॉज आई एम अ रैंकर गाइस। मैं रैंक कैसे लाते हुआ, जब आपको पता होता है, आप अगर एक डॉक्टर हो और एक आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो तो आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं ना उसको क्योर करने के लिए। अब जनरल फिजिशियन क्या करेगा? अब यहाँ पर हाथी साहब होंगे, डॉक्टर हाथी तारक मेहता वाले, तो उनको तो कान में वो भी स्टेटिस्कोप भी लगाना याद नहीं रहता है, ऐसे ही वो दिल की नर्व चेक करते हैं। वो है चालू कंपनी का डॉक्टर। ऐसे कभी कभार आप लोग चालू यूट्यूब चैनल पर फंस जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट सिर्फ उसको पता है, रैंक सिर्फ वही लाके दे सकता है जो खुद रैंक करो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको, 180 आवर्स में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं। इसके बाद अगर बच्चा 40 घंटा भी कर ले तो 220 घंटा हो जाएगा, बहुत है वो। और बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा पहले ही अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट मान चुका है, वो ऑडिटिंग करता है आंसर की, ऑडिट ऑफ क्वेश्चन करता है। जैसे क्या, मेरी एक बुक आती है ब्रह्मास्त्र, हाँ मेरी एक बुक है ब्रह्मास्त्र भी। अब ब्रह्मास्त्र इसका नाम क्यों है? मेरी जो मेन बुक है पढ़ने वाली, जो अभी दिखा रहा हूं क्लास में, उसका नाम है संजीवनी और इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। संजीवनी और ब्रह्मास्त्र का कॉम्बो इतना डेडली है ना, संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को बचा ली थी, ब्रह्मास्त्र किसी को भी हरा सकता है, इट्स द ग्लोब। तो ब्रह्मास्त्र मेरा कंटेन करता है पिछले हर अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल, जो कि सॉल्व्ड बाय मी है, मैंने खुद सॉल्व किए और उनको प्रिंट किया एज अ बुक। और ये मैं बच्चों को मिलती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर, वो भी कलरफुल फॉर्म में। बच्चा क्या करता है? ब्रह्मास्त्र उठा लेता है, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ के रिव्यू करता है, बोलता हाँ ठीक है सीख लिखा, ये आता है मेरे को नेक्स्ट, ये आता है मेरे को नेक्स्ट। ये नहीं करना है,
आपको आंसर लिखना है और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करना है। तो अब आई होप यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं उनको आईसीएआई की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है ना तो आपका दिमाग एकदम सेट हो चुका है, ठीक है, कि बस आईसीएआई तुमको इन्हीं तीन मुद्दों पर बार बार खेल रहा है और तुमको यहीं पर अपना गेम बनाना है, यहीं पर गेम बनता है, यहीं पर गेम टूटता है, ठीक है। चलो आओ वापस चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। आई अब हमको पता चल गया व्हाट इज लॉ, तो मैं सीख गया, ठीक है, व्हाट इज लॉ तो मेरे को समझ में आ गया। अब बात यह आती है लॉ आता कहां से है, ठीक है, लॉ आता कहां से है। देखो सर, मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया क्या है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको संविधान बोलते हैं, किसने लिखा है संविधान को, सबको जल्दी से बताएगा, सबको जल्दी से बता देगा यश, निकिता, महक, जल्दी से बता देंगे चैट में, बी आर अंबेडकर। तो द मेन मेन सोर्स ऑफ इंडियन लॉ इज फर्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट द स्टैट्यूट्स और द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली, ये है मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टैट्यूट और द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली, ये मेन लॉ आने के तरीके हैं, ठीक है, यहीं से लॉ निकलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा स्टैट्यूट से, स्टैट्यूट मतलब स्टैट्यूट्स और द लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट इज द सेम थिंग, द स्टैट्यूट्स और द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट इज द सेम थिंग। स्टैट्यूट का बेसिकली मतलब होता है एक्ट विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, तो दो, दूसरा और तीसरा है स्टेट असेंबली, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ही लॉ बनाता है तो जो उस पर्टिकुलर स्टेट में लगता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामेंट है और एक स्टेट असेंबली है। मतलब लॉ आपकी कहां से निकल के आ रही है, पीसीएस से, पी फॉर पार्लियामेंट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, एस फॉर स्टेट असेंबली, पीसीएस, ठीक है। अच्छा लेकिन सर ये तो अभी है, अब इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, कुछ लोग हालांकि इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं इंडिया डिक्टेटरशिप है, फालतू बात, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, कैसे होता है, वोटिंग होती है, हम लोग एक पार्टी इलेक्ट करते हैं, वो पार्टी जब जीत जाती है तो वो पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो देश को चलाता है, जैसे अभी करंटली है हमारे आदरणीय, हमारे अपने दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो पार्लियामेंट अभी अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है, मैंने पहले भी बोला लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, देखो सेम लाइन यहां पर लिखी है, पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी, द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अप्लाई थ्रू आउट द इंडिया वेयर द लॉज पास्ड बाय द स्टेट अप्लाई ओनली टू स्टेट बॉडीज, एकदम सिंपल बात है। देखो सर, जब इंडियन पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनती है तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, दैट्स जब स्टेट असेंबलीज लॉ बनाती हैं तो वो सिर्फ उस स्टेट पर है, जैसे हर स्टेट के पास लॉ है अपना लिकर रिलेटेड लॉ बनाने का, ठीक है, लिकर रिलेटेड एक्साइज ड्यूटी वैट चार्ज करने का लिकर पर, वो स्टेट के पास पावर है, ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के क्या पास क्या पावर है, लॉ मेकिंग फॉर द इंटायर कंट्री, ठीक है, तो पार्लियामेंट का लॉ पूरी कंट्री पर लगता है और स्टेट का लॉ सिर्फ स्टेट के बॉर्डर पर लगता है। तो एक और चीज नोटिंग में जाएगी अभी, एक और चीज नोटिंग में जाएगी, एक और पेज ऐड करेंगे, एक और पेज ऐड करेंगे, सोर्सेज ऑफ लॉ, तो तीन सोर्सेज हैं लॉ के, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्लियामेंट और तीसरा स्टेट असेंबली, अब इसी में बगल में लिखेंगे, पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है इट इज एप्लीकेबल टू द इंटायर कंट्री, जैसे कि सीएए, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है,
या मोटर व्हीकल्स एक्ट, स्टेट असेंबली जो लॉ बनाता है, इट इज एप्लीकेबल विद इन द स्टेट बॉर्डर्स, एप्लीकेबल विद इन द स्टेट बॉर्डर. ये स्टेट के बॉर्डर के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं, स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते. ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका पहला पोर्शन जो था सोर्सेज ऑफ लॉ. ठीक है. अच्छा सर, ये पार्लियामेंट हमेशा से तो था नहीं इंडिया में. ठीक है, हमेशा तो था नहीं. तो 1935 में, ठीक है, उसके पहले तो ब्रिटिशर्स हम पर रूल किया करते थे ना, तो ऐसा पार्लियामेंट आलिमेंट तो कुछ था नहीं. तो 1935 में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जीओआई बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, जो पास किया था यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में, क्योंकि तभी हम पर रूल करते थे. इंडिया को आजादी कब मिली थी? 1947 में. इन्होंने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था यूके की पार्लियामेंट में, और उसको अप्लाई करना था इंडिया के, इंडिया में. यही जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किया था ना, इसी को बाद में हमने एडिट कर कर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना लिया. ये बात आपको पता हो या ना पता हो, बट मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, हमारी जितनी भी लॉज है वो अडॉप्ट हुई है ब्रिटिशर्स से ही. यहां तक कि हम आपको एक चीज और बताते हैं, इस कोर्स का नाम चार्टेड अकाउंटेंसी पढ़ा कैसे कभी आपने सोचा है? चलो मैं आपको बताता हूं. ब्रिटिशर्स के टाइम पर उनकी कंट्रीज में, यूनाइटेड किंगडम में, एक लिस्ट निकलती थी, चार्टर, एक पेपर होता था जिसमें जितने भी अकाउंटेंट्स होते थे उनके नाम लिखे जाते थे. इंडिया में भी अकाउंटेंट्स ने क्वालिफाई किया, पढ़ाई की, पर उनका नाम उस चार्टर में लिखने से इन्होंने मना कर दिया. इन्होंने बोला कि वो हमारे सिटीजन है, आपके पास तो डोमिनियन स्टेटस है, आपको उनके लेवल पर हम कैसे लेके जा सकते हैं, तो मना कर दिया इन्होंने. ठीक है, कि नहीं सर, आपको नहीं लेके जाएंगे. इस बात से इंडिया वाले इतने खफा हो गए कि आजादी मिली 1947 में, 1949 में इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट बना के नाम ही रख दिया कोर्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट. वो इंडिया का चार्टर हो गया, ऐसे हमें नाम मिला था जो हमने अडॉप्ट किया है दूसरे से. बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीजों से सीखना, कुछ गलत नहीं है. आप ये चीज मानो ना मानो कि जैसा कंट्री वो चलाते हैं ना ब्रिटिशर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में वो लोग बहुत स्ट्रांग है, और ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, जो ब्रिटिशर्स द्वारा ही लाया गया था, और उसी को मॉडर्न इंडिया में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना लिया. ठीक है, इसने पहली बार कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था स्टेट और यूनियन का. इससे पहले सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता था, यूनियन का. इस एक्ट ने पहली बार कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, इट शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल, मतलब सेंटर एंड स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी. सो इट डिस्ट्रीब्यूटेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड डिस्प्यूट. अब पहली बार फेडरल कोर्ट, 1937 में पहली बार इंडिया में एक कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, अब इसके अंदर, इस फेडरल वॉज एस्टेब्लिश एंड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द एपलेट ओरिजिनल एंड एडवाइजरी. अब इस फेडरल कोर्ट के अंदर तीन लोग काम करते थे, एपलेट, ओरिजिनल और एडवाइजरी. ठीक है, एपलेट की पावर एक्सटेंडेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, वेयर एज एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन वॉज एक्सटेंडेड विद द पावर टू द फेडरल कोर्ट टू एडवाइस गवर्नर जनरल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा. फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर 12 ईयर्स एंड हर्ड नियरली 151 केसेस. द फेडरल कोर्ट वॉज सप्लांटेड, मतलब रिप्लेस्ड बाय इंडिया करेंट एपेक्स कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. बोल लिया, अब आते हैं. सुनना ध्यान से, पूरी कहानी बताता हूं. 1935 में ब्रिटिशर्स ने जीओआई एक्ट बनाया इंडिया में. ठीक है, यूके में पास करके इंडिया में इंप्लीमेंट करवाया.
मैं यहां पर करता हूं बेटा राय। 1935 में ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया में अप्लाई करवाया। पास कहां पर हुआ था? यूके में, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कुछ था नहीं। इस एक्ट ने क्या किया, इंडिया को दो पार्ट में बांट दिया, जिसको आज की डेट में सेंटर और स्टेट बोलते हो। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, फिर 1937 में इन्होंने इंडिया में पहला फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया, ठीक है। ठीक है, अच्छा, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया। अब इस फेडरल कोर्ट के दो पार्ट थे, एक था एपलेट और एक था एडवाइजरी। ठीक है, मतलब इसके दो विंग्स थे, ऐसे बोल सकते हो कि इसके दो डिपार्टमेंट थे। फेडरल कोर्ट के अंदर दो डिपार्टमेंट थे, एक एपलेट एक एडवाइजरी। जो एपलेट था वो क्या करता था, वो सिविल केसेस डील करता था और क्रिमिनल केसेस डील करता था। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल केस एंड क्रिमिनल केस, बताऊंगा अभी रफली के लिए ये समझ लो। जो सिविल केसेस होते हैं उसमें पनिशमेंट होती है पेनल्टी टाइप की, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जेल होती है। ठीक है, जो एडवाइजरी था, एडवाइजरी की पावर क्या थी, एडवाइजरी का काम था गवर्नर जनरल को असिस्ट करना इन पब्लिक मैटर्स। अब मैं पहले समझाता हूं ये गवर्नर जनरल कौन होता है। देखो सर, जैसे आज की डेट में प्रेसिडेंट होता है ना, अंग्रेजों के टाइम में प्रेसिडेंट नहीं होता था। उस टाइम में वो लोग क्या करते थे, गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे। उसका काम क्या होता था, इंडिया के कुछ स्टेट्स को गवर्न करना। ठीक है, वो सेंट्रल लेवल पर भी काम करते थे, स्टेट लेवल पर भी। तो जो गवर्नर जनरल थे, एडवाइजरी का जो डिपार्टमेंट था वो उनको एडवाइस करता था इन पब्लिक मैटर्स। ठीक है, आजादी के बाद ये फेडरल कोर्ट रिप्लेस हो गया सुप्रीम कोर्ट से। फेडरल कोर्ट रिप्लेस हो गया सुप्रीम कोर्ट से। इसके अंदर का एपलेट का जो डिपार्टमेंट था, जो सिविल मैटर्स को डील करता था, उससे निकल गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करता था, उससे निकल गया हाई कोर्ट। तो बेसिकली हुआ क्या, आजादी के बाद इनके नाम चेंज कर दिए गए। फेडरल कोर्ट बन गया सुप्रीम कोर्ट, एपलेट वाला जो डिपार्टमेंट था फेडरल कोर्ट के अंदर, उसके सिविल मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहां तक मैटर हियर करता है, जिसमें डिस्प्यूट हो अप टू ₹2 करोड़, वहीं तक सुनता है वो। क्रिमिनल केसेस डील करते हैं हाई कोर्ट, और जो एडवाइजरी वाला विंग था वो विंग डिसकंटिन्यू हो गया। ये डिसकंटिन्यू हो गया आफ्टर आजादी। आई होप अब आपको ये चीज एकदम क्लियर आ गई। देखो ये होता है टीचर का रोल, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज लिखी थी हमने एकदम इजी वे में आपको समझा दिया। अब हम इसको आपको बना के दिखाएंगे फेयर नोटिंग में, बढ़िया से जगह लेके। अभी तो जगह का कंस्ट्रेंट था, अब एकदम जगह लेके बनाएंगे बीच में। देखो सर, सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में हुवर रूलिंग इंडिया, पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे पहले पास हुआ।
1935 में। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1935 में, तो इसने क्या किया, इसने एक शिफ्ट क्रिएट किया फेडरल सिस्टम में, फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। इसने क्या शिफ्ट क्रिएट किया, यूनिटरी टू फेडरल, इसने ये शिफ्ट क्रिएट किया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम बट गया दो भाग में, सेंटर और स्टेट। ठीक है, अब देखो कितने भाग में बटा, याद कराने का तरीका, कितने भाग में बटा, दो पार्ट में, दो भाग में बटा। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2। इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो, ठीक है। इसमें 2 ऐड करते ही क्या आ जाएगा, 1937। हमको 37 को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, सॉरी। ठीक है, तो 1937 में इंडिया में सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ फेडरल कोर्ट। ठीक है, अब ये फेडरल कोर्ट में, ये फेडरल कोर्ट के अंदर दो विंग बनी, एक थी एपलेट और एक थी एडवाइजरी। जो एपलेट थी उसके अंदर दो चीजें आती थी, ये दो चीजें मैटर करती थी, दो चीजें होल्ड करते थे। ये सिविल केसेस को हैंडल करते थे, जिसमें सिविल केसेस कौन से होते हैं, जिसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, जेल नहीं होती, सिर्फ पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ती है, और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते थे। एडवाइजरी क्या करता था, ये असिस्ट करते थे, मतलब एडवाइजरी नाम ही है तो असिस्ट ही करते होंगे ये एडवाइजरी असिस्ट करते थे किसको सर, गवर्नर जनरल को, क्या चीज में, मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन में। अब आजादी के बाद क्या हुआ, ठीक है, आजादी के बाद क्या हुआ, फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके बन गया सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट को रिप्लेस करके बन गया सुप्रीम कोर्ट। सिविल केसेस हैंडल करने के लिए बन गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो भी अप टू कितना, 2 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर होगा तो वो भी हाई कोर्ट में चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने के लिए बन गया हाई कोर्ट। देख रहे हो कितना बढ़िया से डायग्राम बना दिया, एकदम इजी। और ये है पूरा का पूरा कार्यक्रम, सिंपल एंड इजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सेंटर और स्टेट में बांट दिया, फिर 2 ऐड किया, 37 में फेडरल कोर्ट आया। फेडरल कोर्ट ने बोला कि हम लोग 2 मैटर पर डील करेंगे, एपलेट और एडवाइजरी। एपलेट में सिविल और क्रिमिनल, एडवाइजरी में सिर्फ गवर्नर जनरल को ओपिनियन देना है पब्लिक मैटर्स में। उसके बाद नीचे निकल के आए क्रिमिनल और सिविल। उसके बाद आजादी के बाद फेडरल कोर्ट बन गया सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल के लिए बन गया हाई कोर्ट, ये क्या बोलते हैं, सिविल मैटर के लिए बन गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम एडवाइजरी वॉज डिसकंटिन्यूड, आफ्टर इंडिपेंडेंस एडवाइजरी वॉज डिसकंटिन्यूड। एडवाइजरी वॉज डिसकंटिन्यू, एडवाइजरी को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बढ़िया से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है,
तो अब भैया हम आपको बता देते हैं कि अब तो आज के लेक्चर में बड़ा पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली ओपन होगा तो रिविजन के साथ ओपन होगा, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। और जब मैं एक लेक्चर खत्म करता हूँ उसमें भी रिवाइज कराता हूँ समरी नोटिंग से, तो पहले रिविजन कर लेते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का नाम है इंडिया की लॉ, तो ये इंडिया के लॉ से रिलेटेड मैटर बताता है। उससे भी पहले मैंने ये लिखवाया था ना, नहीं व्हाट इज लॉ यही लिखवाया था क्या, यही पहली नोटिंग है क्या, अच्छा यही पहली नोटिंग है। हाँ, तो सबसे पहले आया था कोड ऑफ हम्बुराई जो 1792 बीसी से 1758 बीसी तक था। इट वाज कार्व्ड ऑन रॉक्स इन द सिटी ऑफ बेबीलोन, तो बीसी 1792 टू 1758, जिसमें बी का मतलब है बल्कि सोन, सी का मतलब है कोड ऑफ हम्बुराई। उसके बाद आया था मोस्ट डिटेल्ड लॉ जो आया 450 बीसी में, जिसमें 12 ब्रॉन्ज टेबल्स में लॉ लिखा गया था, मोस्ट डिटेल्ड लॉ पब्लिक राइट को पब्लिक रॉन्ग से सेपरेट करने वाला, और रोम में, रोम रोम भटका एमडीएच का तड़का। उसके बाद आया लॉ, लॉ की डेफिनेशन क्या है, ऑब्लिगेशन प्लस ड्यूटी एरो के ऊपर गवर्नमेंट। फिर आया सिक्योर करना है क्या, वेलफेयर, और साथ ही साथ दूसरा आया जस्टिस। इधर इंडिया डाइवर्स लीगल फ्रेमवर्क है, क्या चीज इंक्लूड करता है, एसपीसीई, सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक लॉ, सब कुछ कंप्लीट करता है। उसके बाद आया सोर्सेज ऑफ लॉ, इंडिया में तीन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो पूरे भारत देश में एप्लीकेबल है, स्टेट असेंबली जो बनाता है वो स्टेट बॉर्डर्स के अंदर ही रहता है। उसके बाद आया भैया यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार लॉ पास करके 1935 में, जब वो लोग हमें रूल करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, जिसके तहत उन्होंने सेंटर और स्टेट दो भाग में बांट दिया, यूनिटी से फेडरल में चले गए। फिर 1937 दो ऐड करके इन्होंने फेडरल कोर्ट बनाए। इस फेडरल कोर्ट में तीन मैटर्स, दो मैटर्स डील किए जाते थे, एपलेट के लिए अलग डिपार्टमेंट था और एडवाइजरी के लिए। एपलेट क्या करता था, सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करता था, एडवाइजरी क्या करता था, इंस्ट्रक्ट करता था किसको, गवर्नर जनरल को, कि किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन रिलेटेड मैटर्स को डील करना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फेडरल बन गया सुप्रीम, सिविल बन गया डिस्ट्रिक्ट, क्रिमिनल बन गया हाईकोर्ट, और गवर्नर जनरल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अगला लेक्चर कल आएगा 8:30 बजे, और अभी इसके बाद आदि सर की क्लास है, भूलना नहीं। और भैया अब तक आपको पसंद आ गया तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड करते हैं उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में हमने शुरू किया था, ठीक है, सेम स्टाइल में एंड करते हैं। बट याद रखिएगा अगला लेक्चर भी आने वाला है आपका, जो आएगा टाइप्स ऑफ लॉ। आज तो इंडियन लॉ का फ्रेमवर्क पढ़ लिया, ये कंप्लीट हो गया, दिस इज कंप्लीट। अब आएगा आपका अगला लेक्चर टाइप्स ऑफ लॉ। तो भैया मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, CSCS शांतम गुप्ता, इंडिया नंबर वन एजुकेटर फॉर लॉ एंड ऑल इंडिया रैंक 42 एंड 43 इन CA and CS कोर्सेज। रैंक लानी है तो रैंक वालों के साथ पढ़ो, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो चैनल को। आज के लिए गुप्ता जी की तरफ से बस इतना ही।